वो देखो, भगवान हनुमान जी आ रहे हैं। हाँ, प्रणाम हनुमान जी। आपके मूल स्थान गंधमादन पर्वत पर आपका स्वागत है महाबली हनुमान जी। आइए आइए हनुमान जी। प्रणाम। हनुमान जी अपना ये स्थान ग्रहण कीजिए। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे यहाँ स्थान देकर आप सभी नीचे क्यों बैठ रहे हैं? हनुमान जी अब यही उचित है। त्रिदेवों द्वारा निर्दिष्ट आपके मूल स्थान गंधमादन पर्वत पर आपके लिए इस भव्य भवन का निर्माण विश्वकर्माओं द्वारा त्रिदेवों की इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। यहाँ आपके निवास एवं अन्य व्यवस्थाएं भी स्वयं उन्होंने ही की हैं। किंतु मैं तो यहाँ का राजा नहीं हूँ। राजा तो भैया सुग्रीव है ना? मैं राजा प्रजा के लिए हूँ हनुमान जी, भगवान के लिए नहीं। अब आप हमारे लिए भगवान रूप धारण कर चुके हैं, इसलिए हम सब आपकी सेवा करके मोक्ष पाने के इच्छुक हैं। भगवान हनुमान की, संकट मोचन हनुमान की। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती की जय हनुमान लला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न छापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती की जय हनुमान लला की। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिय सुधिलाए। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जाक बहन सुत पार नराई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। आरती की जय हनुमान की। संकट मोचन महाबली हनुमान की। संकट मोचन महाबली हनुमान की। संकट मोचन महाबली हनुमान की। प्रभु श्री राम का मंदिर। राम नाम की महिमा को भी स्थापित रखना है तुमने। भक्त बनकर तुमने मेरी बहुत सेवा की है हनुमान। अब जगत की सेवा के लिए भक्त से भगवान बनना है तुम्हें। अवश्य प्रभु, अपना प्रत्येक कर्तव्य निभाऊंगा। मैं आपके आदेश का सदैव पालन करूंगा। संकट मोचन महाबली हनुमान की। संकट मोचन महाबली हनुमान की। शांत शांत हो जाइए आप लोग।
मेरी इच्छा है कि संसार में सर्वत्र मात्र और मात्र प्रभु श्री राम के नाम की ही जय जयकार हो। जो भी भक्त निष्ठा और भक्ति से निरंतर प्रभु का नाम लेगा और पाप कर्मों का त्याग करेगा, मैं सदा उसका सहायक बन उसके साथ बना रहूंगा, उसकी रक्षा करूंगा और संपूर्ण संसार में राम नाम की महिमा स्थापित रहे। इसके लिए ये अति आवश्यक है हम संसार के कोने कोने पर अपनी दृष्टि बनाए रखें। आप में से कोई भी आठ राम नाम के दूत बनकर संसार के आठों कोनों में स्थित हो जाएं और मुझे वहां का समाचार देते रहें, ताकि अधर्म के उत्पन्न होते ही मैं उसका नाश कर सकूं और आगामी युग के प्रारंभ के पूर्व संसार से राक्षसों और राक्षसी प्रवृत्ति को समूल मिटा सकूं, ताकि प्रभु श्री राम द्वारा स्थापित श्रेष्ठ मर्यादा को कोई भी राक्षस ठेस ना पहुंचा सके। जैसी आज्ञा हनुमान जी। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पवन तनय अब हूँ भगवाना, स्थापित भिन्न भिन्न स्थाना। आठहु वानर सबहु देवा, सब जग किए कपि प्राण प्रतिष्ठा। संकट मह सब राक्षस आए, कपि महिमा षठ सबहु मिटाए। हनुमत श्रेष्ठि रक्षा प्रदायी, देव देखि सोई हर साई। नित नियमित दिन चर्या धारी, कपीश पूजत अवध बिहारी। संध्या वंदन नित अपनाई, गंध मध न बसे कपिराई। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अब जब द्वापर युग का प्रारंभ हो गया है, प्रभु श्री हरि के आगामी अवतार की सहायता के लिए हनुमान की पुनः आवश्यकता होगी। अब द्वापर युग के आरंभ के साथ ही हनुमान के लिए पुनः प्रसन्नता का अवसर आने वाला है। अंततः द्वापर युग का आगमन हो ही गया, अर्थात प्रभु द्वारा पुनः अवतार लेने का समय आ ही गया। ये मुझे विचित्र सा आभास क्यों हो रहा है, जैसे कुछ विशेष होने को है, जैसे कि मुझे कुछ विशेष करना है। ओम नमः शिवाय। शिव जी के मंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय। इन मधुर मंत्रों की ध्वनि में ऐसा कौन सा आकर्षण है जो मैं इसकी ओर खींचा चला आया, किंतु अब ये मंत्र जाप अकस्मात ही क्यों रुक गया? मुझे आगे जाकर कारण के बारे में ज्ञात करना होगा, किंतु अब तो द्वापर युग आ गया है और सब मुझे भगवान मानने लगे हैं। अब मुझे जन साधारण की दृष्टि से बचकर ही रहना होगा, इसलिए मुझे अब जो भी करना होगा वो वेश बदल कर करना ही उचित होगा। अवश्य ही यहां मैं कुछ विशेष कार्य करने हेतु आने के लिए प्रेरित हुआ हूं। अब प्रभु ही मेरा मार्गदर्शन करेंगे कि वो विशेष कार्य है क्या।
प्रभु, त्रेता युग तो व्यतीत हो चुका है, अब द्वापर युग में आपके आगामी अवतार के दर्शन की प्रतीक्षा है मुझे। किंतु यदि इस समय मुझे कोई विशेष कार्य करना है जिसका मुझे आभास हो रहा है, तो आप मुझे उससे संबंधित कोई संकेत दीजिए प्रभु। ये नन्हा बालक प्रतीत होता है कि बड़ा ही शिव भक्त है ये बालक। अरे, बालक की बेलपत्र की पोटली गिर गई और इसे ज्ञात ही नहीं है। अब ये शिवजी को क्या अर्पित करेगा? इतनी अल्प आयु में भगवान शिव की भक्ति में ऐसी तल्लीनता, ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। समय मनुष्य को आकाश से धरा पर ला देता है विप्रवर। भाग्य ने इस बालक के साथ विचित्र क्रीड़ा की है। भाग्य ने क्रीड़ा की है? ब्राह्मण देव, आप जानते हैं इस बालक के विषय में? हाँ विप्रवान, यह कोई साधारण बालक नहीं है, किंतु साधारण जीवन से भी निम्न जीवन जीने के लिए विवश है। मात्र एक श्राप के कारण, जो एक पिता ने अपने पुत्र को दिया था। पिता ने पुत्र को श्राप दिया? ब्राह्मण देव, ऐसा क्या हुआ था इस बालक के साथ? विप्रवान, ये महाराज ययाति के बड़े पुत्र यदु के कुल में जन्मा हुआ बालक है। राजा ययाति का प्रेम दैत्यराज कुमारी शर्मिष्ठा से था, किंतु परिस्थिति वश उन्हें विवश होकर विवाह करना पड़ा शर्मिष्ठा की सखी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से। ब्राह्मण देव, परंतु महाराज ययाति को ऐसा क्यों करना पड़ा? एक समय देवयानी वन में भ्रमण करती हुई असावधानी वश एक बिना मुंडेर के कुएं में गिर गई। बचाओ, कोई है। संयोग से वहीं से राजा ययाति निकल रहे थे। उन्होंने उसकी सहायता हेतु अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। लो, मेरा हाथ पकड़ लो। संकोच मत करो देवयानी, मेरा हाथ पकड़ लो। लो, पकड़ लो मेरा हाथ। जिसे देवयानी ने संकोच करते हुए उसे पकड़ तो लिया, किंतु कुएं से बाहर आकर कहने लगी, महाराज ययाति, अब से आप मेरे पति हुए। ये तुम क्या कह रही हो देवयानी? यही सत्य है महाराज, मैंने प्रण लिया था, जो भी प्रथम पुरुष मुझे स्पर्श करेगा वही मेरा पति होगा। ये तो उचित नहीं हुआ। फिर क्या हुआ ब्राह्मण देव? मैंने प्रण लिया था, जो भी प्रथम पुरुष मुझे स्पर्श करेगा वही मेरा पति होगा। ये तो उचित नहीं हुआ। फिर क्या हुआ ब्राह्मण देव? होना क्या था, शुक्राचार्य के बहस से विवश होकर राजा ययाति को देवयानी के साथ विवाह करना पड़ा, किंतु मन ही मन वो शर्मिष्ठा से ही प्रेम करते थे। जिसकी बनत देवयानी को लग गई तो ईर्ष्या की अग्नि में जलती हुई अपने पिता शुक्राचार्य के प्रभाव से अपनी ही सखी को दासी बना लिया और विवाह के पश्चात उसे ययाति के राजभवन में ले आई। शर्मिष्ठा अपना दासी धर्म निभा रही थी। राजा ययाति शर्मिष्ठा की दशा के लिए स्वयं को दोषी मानने लगे थे। अंततः शर्मिष्ठा की विवशता ने ययाति के प्रेम को और प्रगाढ़ बना दिया और उन्होंने देवयानी को बताए बिना गंधर्व विवाह कर लिया। किंतु महाराज ययाति को शर्मिष्ठा से गंधर्व विवाह क्यों करना पड़ा?
देवयानी के पिता शुक्राचार्य के भय से। किंतु आगे वही हुआ जिसका भय था। जब देवयानी को उन दोनों के विवाह के बारे में ज्ञात हुआ तो क्रोधित होकर उसने अपने पिता से ययाति और शर्मिष्ठा के बारे में सब बता दिया। फिर शुक्राचार्य कुपित हो उठे और तत्काल ही वहां राजा ययाति को श्राप देने पहुंच गए। ययाति, मैं देवयानी का पिता शुक्राचार्य तुम्हें श्राप देता हूं। जिस यौवन के मद में चूर होकर एक पत्नी होते हुए भी तुमने दूसरा विवाह किया, वो यौवन तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। तुम वृद्ध हो जाओगे। जिस काम भाव से वशीभूत होकर तुमने ये जो कुकृत्य किया है वो कामाग्नि प्रचंड रूप धारण कर लेगी। तुम्हारी देह उसका शमन करने में असमर्थ हो जाएगी। नहीं नहीं दैत्य गुरु, नहीं नहीं दैत्य गुरु, नहीं नहीं दैत्य गुरु, नहीं नहीं। ये आपने क्या कर दिया दैत्य गुरु? देवयानी से मेरा विवाह तो मेरी विवशता थी और शर्मिष्ठा से मेरा विवाह वो तो मेरा प्रेम था, वो तो इस विवाह से भी पूर्व का प्रेम था। विवाह विवशता हो या प्रेम, द्वितीय विवाह सर्वथा अनुचित है। प्रथम पत्नी से छुपकर विवाह तो कुकृत्य है, अपराध है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अब भी देवयानी का पति हूं। आपके श्राप के प्रभाव से देवयानी का वैवाहिक जीवन अवश्य प्रभावित होगा। क्षमा करें दैत्य गुरु, मुझे क्षमा करें। श्राप हो या वरदान, उसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता। किंतु तुमने क्षमा प्रार्थना किया है, इसलिए मैं तुम्हारे श्राप को सीमित कर देता हूं। यदि तुम्हारे पुत्रों में से कोई एक अपना यौवन तुम्हें देकर तुम्हारा वृद्धावस्था ले ले तो तुम फिर से युवा, और जब तक चाहो युवा बने रहोगे। ब्राह्मण देव जी, राजा हो या फिर प्रजा, द्वितीय विवाह तो अनुचित ही है। फिर क्या हुआ ब्राह्मण देव? क्या महाराज ययाति के किसी पुत्र ने अपने पिता को अपना यौवन प्रदान किया? यौवन जीवन का सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण काल है विप्रवर, जो जीवन में मात्र एक बार ही आता है। राजा ययाति के 5 पुत्र थे, देवयानी से यदु और तुर्वशु, शर्मिष्ठा से द्रुयु, अनु एवं पुरु। उन्होंने अपने 5 पुत्रों को बुलाया। बड़े पुत्र यदु पर उन्हें पूर्ण विश्वास था क्योंकि वो बहुत ही धार्मिक और पितृभक्त था। श्रेष्ठ धर्म का पालन करने वाले पुत्र यदु, अपने पिता की इच्छा पूर्ण करो। अपना यौवन मुझे देकर मेरी वृद्धावस्था को धारण करो, मात्र तब तक के लिए जब तक मैं अपनी आयु के अनुसार वृद्धावस्था को प्राप्त ना कर लूं। पुत्र, पुत्र पिताश्री, देह तो नश्वर है, यौवन अस्थिर है, फिर मैं इसे मोह क्यों करूं? मेरा ये जीवन आपका ही दिया गया है। यदि मेरा ये यौवन किसी प्रकार आपके काम आ सके तो मैं स्वयं को भाग्यशाली समझूं। ययाति की इच्छा तो पूर्ण हो गई थी, किंतु वे अपने अन्य पुत्रों से कुपित थे।
उनका वह कोप अपने उन पुत्रों पर श्राप बनकर टूट पड़ा। मैं ययाति ये विधान करता हूँ कि जब मैं अपने अनुज पुत्र पुरु को उसका यौवन लौटाऊंगा तब वही मेरे राज सत्ता का उत्तराधिकारी होगा, किंतु मेरे अन्य पुत्र जिन्होंने अपने पिता के साथ कृतज्ञता की है उन्हें मेरा श्राप है, वे राज सत्ता से सदैव पृथक रहेंगे, सदैव निर्धनता और पतन के अंधकार में घिरे रहेंगे। विशेष रूप से मेरा ज्येष्ठ पुत्र यदु, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है, तुम्हारा वंश सदैव पतन की ओर अग्रसर रहेगा। ये महान यदु वंश जिसमें स्वयं प्रभु का अवतार होने वाला है वो वंश ही श्रापित हो गया, ये तो अनर्थ है। ये गाथा है धर्म के सम्मान की, सब सुधि जन देखे लीला श्री हनुमान की। व्यक्ति को भूलकर भी अपनी संतान के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए, अन्यथा आगे चलकर इसका बुरा परिणाम स्वयं के कुल को भी भुगतना पड़ सकता है। ये रहे मेरे महादेव के लिए नवीन पुष्प, ये रहे महादेव के लिए बेलपत्र। अरे बेलपत्र की पोटली कहाँ गई? प्रतीत होता है कहीं गिर गई। अब बिना बेलपत्रों के महादेव की पूजा कैसे संपन्न होगी? तो ये बालक उन्हीं यदु का वंशज है? हाँ विप्रवा, यदु वंशी है ये, निर्धन है, अपनी विधवा माता के साथ रहता है। पिता की मृत्यु के पश्चात उसके स्वजनों ने उन्हें घर से निकाल दिया, तब से यहीं इस वन में ये कुटिया बनाकर रहते हैं। ये तो बड़ा ही अन्याय हुआ है इनके साथ। हाँ विप्रवार, और विडंबना देखिए, इस बालक की माता का मानना है कि भक्ति से उधर पोषण नहीं होता, जबकि पुत्र का मानना है कि भक्ति से उधर ही नहीं आत्मा भी तृप्त रहती है, इसीलिए ये अपनी माता से छिपकर शिव भक्ति में तल्लीन रहता है। प्रणाम। प्रणाम। यदि इस बालक की भक्ति में इतनी निष्ठा है तो मुझे ये बेलपत्र उसे देने जाना ही होगा, अन्यथा उस नन्हे भक्त को पुनः बेलपत्र लाने के लिए श्रम करना होगा। प्रातः हुई नहीं और तुम फिर पूजा पाठ में बैठ गए, ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम्हारे जीवन में कोई और अन्य काम हो ही नहीं। बालक की माता कुपित है बालक की पूजा से। कितनी बार समझाया है तुम्हें, कितनी बार समझाया है, पूजा पाठ करने से उधर नहीं भरता, जीवन ऐसे नहीं चलता। तुम्हारे पिता की मृत्यु के पश्चात एकमात्र तुम ही मेरा सहारा हो, और तुम हो कि दिन रात्रि इस पूजा पाठ में व्यर्थ ही अपना समय नष्ट करते रहते हो। व्यर्थ नहीं है माँ, भगवान शिव जी की भक्ति कर रहा हूँ मैं। हमारे राजा चित्रसेन जी को भी देखिए ना, कितने बड़े शिव भक्त हैं। उन्हें देखकर ही तो मैं भक्ति के लिए प्रेरित हुआ हूँ। वो राजा है पुत्र, वो कुछ भी कर सकते हैं, तुम नहीं। तुम्हारी उम्र नहीं है भक्ति करने की, ये पूजा पाठ करने की। जैसे तैसे मेहनत करके मैं दो समय की रोटी जुटा पाती हूँ, बंद करो ये पूजा पाठ और चल कर मेरा काम में हाथ बटाओ। माँ शिव जी पर विश्वास रखिए, उनकी महिमा अपरंपार है, वही सारे कष्ट हरेंगे। मेरे साथ आप भी ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए माँ। रुको, अच्छी प्रकार से तुम्हें ओम नमः शिवाय का जाप कराती हूँ अभी। अच्छा है माँ, आपने भले ही कुपित होकर बोला किंतु ओम नमः शिवाय तो कहा, प्रभु का नाम बड़ा कल्याणकारी है, किसी भी दशा में बोलो मेरे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल बोल कर मुझे सता रहे हो ना तुम, पाप लगेगा तुम्हें। नहीं माँ, पुण्य मिलेगा, आपने बार बार ओम नमः शिवाय बोला है, अब तो वे अवश्य किसी न किसी रूप में हमारे कष्ट हरने आएंगे। अद्भुत निष्ठा है इस बालक की,
प्रभु महादेव के प्रति। ओम नमः शिवाय बोलने से उदर की भूख शांत नहीं होती। बंद करो ये पूजा पाठ। रुक। ये शिवलिंग ही सारे कष्टों की जड़ है। ना ये यहाँ रहेगा ना ही तेरा ध्यान भटकेगा। नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए माँ। मेरे प्रभु को मुझसे विलग मत कीजिए माँ। उनकी भक्ति ही मेरा जीवन है। नहीं, आज मैं इस शिवलिंग को कुएं में डाल दूँ, जिससे तुम पुनः इसे दोबारा निकाल ना सको। नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए माँ। इन्हें वापस रख दीजिए माँ। हट जा मेरे रास्ते से। नहीं माँ, इन्हें वापस रख दीजिए माँ। नहीं नहीं महादेव। भगवान शिव जी, आप? मुझे विश्वास था कि मेरे महादेव किसी न किसी रूप में अवश्य आएंगे। अपने इस नन्हे भक्त की भक्ति को नहीं मिटने देंगे, है ना प्रभु? नहीं पुत्र, मैं भगवान शिव नहीं हूँ। हाँ, उनका एक छोटा शिवात्मज अंश अवश्य हूँ, जैसे संसार के समस्त जीव उन्हीं के अंश हैं। किंतु आपको अवश्य मेरे प्रभु ने भेजा होगा मेरे लिए, तभी तो आपने मेरे प्रभु को मुझसे दूर नहीं जाने दिया। माता, जिन महादेव की पूजा से मनुष्य इस संसार के बंधन रूपी कुएं से बाहर निकल आते हैं, आप उन्हें ही कुएं में डालने जा रही थी। ये ज्ञान की बातें रहने दीजिए साधु महाराज। इतनी कठिनाई से दो समय की रोटी जुटा पाते, और ये मेरा इकलौता पुत्र है। अगर ये पूजा पाठ में लगा रहेगा तो फिर घर के कामों में हाथ कौन बटाए? घर कैसे चलेगा? जीवन ऐसे नहीं चलता महाराज। और फिर ये भी कोई उम्र है क्या भक्ति करने की? क्रीड़ा के समान हो गई है भक्ति इसके लिए, जो अब मैं नहीं चलने दूं। इसीलिए अब इस शिवलिंग को मेरे प्रांगण से हटना ही होगा। माता, ये संसार तो स्वयं महादेव का है, और महादेव तो समस्त संसार के हैं। फिर कैसे आप इस स्थान को अपना प्रांगण मान रही हैं? और माता, भक्ति का आयु से कोई भी नाता नहीं होता। यदि ऐसा होता तो भक्त प्रहलाद और भक्त ध्रुव को बाल्यावस्था में ही भगवान के दर्शन नहीं हुए होते। ये शास्त्रों का ज्ञान बड़े राजा महाराजाओं से जुड़ा हुआ है साधु महाराज। हम निर्धनों के साथ ऐसा नहीं होता। ये शिक्षा प्राप्त करेगा, कुछ काम करेगा, तभी तो हमारा जीवन चलेगा। माता, आप सत्य कह रही हैं। इसकी आयु अभी शिक्षा प्राप्त करने की ही है, किंतु भक्ति के माध्यम से तो अतुलनीय ज्ञान के भंडार की प्राप्ति हो जाती है माता। किंतु शिक्षा भी तो मात्र धनाढ्यों के ही लिए है साधु महाराज। हम जैसे निर्धनों की संतान को कौन शिक्षा देगा? मैं दूंगा इसे शिक्षा। आपके पुत्र की भक्ति पर मुझे विश्वास है। मैं इसका गुरुदेव बनकर इसका मार्गदर्शन करूंगा। माता, आप मेरा विश्वास कीजिए। इसकी भक्ति सफल होते ही आपके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। माता, पिता ही अपने पुत्र को उचित मार्ग पर चलने का निर्देश देते हैं, किंतु भाग्य से आपके पुत्र ने स्वतः ही सर्वोचित भक्ति के मार्ग को चुना है। माता, आप इसे एक अवसर तो दीजिए। हाँ माँ, देखिए ना, ये भक्ति का ही तो चमत्कार है, जो बिना श्रम के मुझे गुरुदेव की प्राप्ति हो रही है। ये बड़े ही ज्ञानी एवं तेजस्वी ऋषि प्रतीत होते हैं। मुझे इनका शिष्य बनने की अनुमति दीजिए माँ। उचित है, अगर इन ऋषिवर को इतना भरोसा है तो मैं और प्रतीक्षा कर लूंगी। देखती हूँ कब भगवान शिव मेरे पुत्र की भक्ति से प्रसन्न होकर हमारे कष्टों को दूर करते हैं।
गुरुदेव, आपने मेरे प्रभु को मुझसे दूर होने से बचा लिया। आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं, मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए गुरुदेव। पुत्र, क्या नाम है तुम्हारा? ऋषिवर, मेरा कोई नाम नहीं है, जिसे जो मन में आता है मुझे उसी नाम से बुलाने लगता है। अब कदाचित आपके सानिध्य से मेरा जीवन परिवर्तित होने वाला है, अतः आप ही मुझे कोई नाम प्रदान कर दीजिए। तुम्हारे श्री मुख पर शंकर जी की भक्ति का तेज झलकता है, इसीलिए तुम्हारे लिए मेरे मन में एक ही नाम आ रहा है, श्रीकर। श्रीकर? गुरुदेव, अपने इस तुच्छ शिष्य श्रीकर के हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर भक्ति एवं ज्ञान के तेज से आलोकित कर दीजिए। श्रीकर, भगवान की भक्ति में समर्पण का भाव होना आवश्यक है, स्वयं को भुलाकर अपने इष्ट को पूर्णतया समर्पित होना पड़ता है। अतः सब कुछ भुलाकर पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव जी का पूजन आरंभ करो। अब तुम एकाग्रचित होकर भगवान शिव में ध्यान लगाओ तथा शिव मंत्र का जाप करते हुए पूजन आरंभ करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंजनी सुत श्री कर निर्देशा, किए शिव पूजन शिव अभिषेका। सुवासित चंदन लेप लगाए, बेल पत्र अरु सुमन चढ़ाए। बहुत अच्छे श्रीकर, अब तुम शीघ्र ही भक्ति की पराकाष्ठा को स्पर्श कर लोगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्य है हनुमान जो स्वयं भक्ति के श्रेष्ठतम शिखर पर पहुंचकर भगवान की श्रेणी प्राप्त कर चुके और अब इस नन्हे भक्त को भी भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा रहे। देवी, जिसे सच्चा गुरु मिल जाए उस शिष्य का उद्धार हो ही जाता है, और फिर जिस पर हनुमान की कृपा हो जाए उसका तो बेड़ा पार होना निश्चित ही है। बालक शिव जपे दिन बिसराई, सो किंतु माता नहीं भाई। हनुमत जिस पे कृपा लावे, सो भव सागर से तर जावे। हे विधाता, हे सौभाग्य माँ के भाग्य में इतने दुख क्यों लिख दिए हैं आप? पति ने साथ छोड़ दिया, एक पुत्र मिला वो भी किसी योग्य नहीं, दिन रात मात्र भक्ति में ही डूबा रहता है। हे प्रभु, इस दुखियारी की और कितनी परीक्षा लेंगे आप? ये सब क्या हो रहा है? स्वर्ण जड़ित पात्र और धान धान्य के भंडार कैसे हो रहे हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये सब कैसे हो गया? क्या हो रहा है? ये मेरे पुत्र की भक्ति का चमत्कार है या फिर मेरे मन की कल्पना? कहीं मैं बावली तो नहीं हो गई? मेरी टूटी फूटी कुटिया भी स्वर्ण भवन बन गई? ये मेरे पुत्र की भक्ति का चमत्कार ही। नमः शिवाय, नमः शिवाय। इतनी तेज प्रकाश कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
उठो पुत्र शिखर। प्रणाम भोले बाबा। प्रभु, सुना था आपके दर्शन के लिए वर्षों घोर तप करना पड़ता है, किंतु आपने तो मुझे इतने शीघ्र दर्शन दे दिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है अपने नेत्रों पर। पुत्र श्रीकर, जिसे सच्चे गुरु की कृपा मिल जाए, ये उसी निष्ठा एवं भक्ति का फल है। तुमने अपने गुरुदेव के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण का भाव रखते हुए भक्ति की है, ये उसी निष्ठा एवं भक्ति का फल है। गुरुदेव, आपके निर्देश से ही मुझे मेरे भगवान के शीघ्र दर्शन हो पाए हैं। आपको कोटि कोटि नमन गुरुदेव। आप मेरे लिए गुरु ही नहीं भगवान हैं, जिन्होंने मुझे भगवान से मिलाया। पुत्र, गुरुदेव शिष्य के लिए भगवान से भी महान होते हैं, क्योंकि वही प्रभु से मिलाने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। आप ये बताओ श्रीकर, इस श्रेष्ठ भक्ति के फल स्वरूप मैं तुम्हें क्या वरदान दूं? प्रभु, निर्धन हूँ और निर्धन का सबसे बड़ा धन उसका संतोष होता है। अतः प्रभु, मुझे धन संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। मैं तो मात्र इतना ही चाहता हूँ कि जब तक ये जीवन है, तब तक मेरे हृदय में आपके श्री चरणों की भक्ति बनी रहे, और जब मैं ये देह त्यागूं, तो आपके नित्य धाम में मुझे निवास मिले। प्रभु श्रीकर, इसके लिए तुम्हें अपने गुरुदेव के चरणों की भक्ति करनी पड़ेगी। पुत्र, इन्हीं की भक्ति से ही तुम्हें स्वतः ही तुम्हारा अभीष्ट प्राप्त होगा। तुम्हारे गुरुदेव भी श्रेष्ठम भक्त हैं, हनुमान है ये, हनुमान है ये, हनुमान है। हनुमान जी मेरे गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव हनुमान जी। मेरे बड़े भाग्य जो स्वयं भगवान रुद्रांश ने मेरे गुरुदेव बनकर मुझे भगवान रुद्र से मिलाया। ये तुम्हारी निश्चल भक्ति का फल है पुत्र। अब तुम्हारे इच्छित वर के अनुसार मैं तुम्हें भगवान शिव के नित्य धाम में निवास का अधिकारी बनाने के लिए तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। आपकी बड़ी कृपा होगी गुरुदेव। श्रीकर, एक वरदान मैं तुम्हें अभी ही प्रदान करता हूँ। तुम यदुवंशी हो। यदु और उनके वंशजों को यदु के पिता ने निर्धनता श्राप दिया था। मेरा ज्येष्ठ पुत्र यदु, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। तुम्हारा वंश सदैव पतन की ओर अग्रसर रहेगा, सदैव निर्धनता और पतन के अंधकार में घिरे रहेंगे। किंतु तुम्हारी श्रेष्ठ भक्ति ने उस श्राप का शमन कर दिया है। मेरा वरदान है तुम्हें, एक दिन तुम्हारे ही कुल में स्वयं भगवान नारायण ही अवतार लेंगे और तुम्हारे कुल का गौरव बढ़ाएंगे। हे प्रभु हनुमान, हे महादेव, आप दोनों की दया दृष्टि सदैव इस तुच्छ भक्त पर बनी रहे। इससे अधिक और कोई अभिलाषा नहीं है मेरी। आप दोनों की कृपा से मेरे कुल पर लगा हुआ श्राप मिट गया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र। भविष्य में तुम्हारे कुल में भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण करेंगे और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। प्रणाम मेरे प्रभु महादेव। प्रणाम महादेव। कल्याण हो श्रीकर, कल्याण मस्तु हनुमान। अपने चरणों की कृपा बनाए रखिए गुरुदेव। हनुमान जी, मुझे अपने पुत्र की भक्ति पर विश्वास नहीं था, किंतु आपने मेरे पुत्र के गुरुदेव बनकर इसका जीवन संवार दिया है। उद्धार कर दिया आपने मेरे पुत्र का।
आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। कल्याण हो। त्रेता युग में प्रिय हनुमान ने नारायण अवतार श्री राम की जीवन भर सेवा की। अब इस द्वापर युग में हनुमान ने प्रभु नारायण के अवतार धारण करने से पूर्व ही उनकी सेवा आरंभ कर दी। सम्मान की सब सुध जन देखे लीला श्री हनुमान की। प्रभु, महाबली हनुमान ने द्वापर युग में आपके अवतार का कुल कैसे निर्धारित किया था? उसी बालक श्रीकर के यदुकुल में मेरा जन्म हुआ। इस प्रकार मेरे भक्त हनुमान ने मेरे आने के पूर्व ही मेरे अवतार का कुल निर्धारित कर लिया था। मेरा वरदान है तुम्हें, एक दिन तुम्हारे ही कुल में स्वयं भगवान नारायण ही अवतार लेंगे और तुम्हारे कुल का गौरव बढ़ाएंगे। यही नहीं, मेरी बाल्यावस्था की एक प्रमुख घटना की नींव भी हनुमान ने ही रखी थी। हे बंसीधर, आपके भक्त हनुमान ने यदुकुल में आपके जन्म के मार्ग को तो प्रशस्त किया, किंतु वो घटना क्या थी जिसकी नींव हनुमान ने रखी थी? हनुमान की लीलाएं सदैव अद्भुत ही रही हैं। मेरी बाल्य अवस्था की वो मनोहारिक घटना गोकुल में ही घटित हुई थी। स्वामी, आपके गोकुल में घटित हुई बाल्यावस्था की तो अनेकों मनोहारी लीलाएं हैं, किंतु हनुमान के सहयोग से कौन सी वो लीला थी? जग प्रसिद्ध है वो लीला, आप सबको भी स्मरण होगा। जब गोकुल में मैंने प्रकृति पूजा के प्रतीक रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई थी, जिससे देवराज इंद्र कुपित हो उठे थे। उन्होंने मूसलाधार वर्षा आरंभ करवा दी थी। उस विनाशकारी वर्षा से ब्रजवासियों को बचाने के लिए मैंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। सुना है आपने उस विशाल पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया था, जिसे देखकर देवराज इंद्र भी कंपित हो उठे थे। किंतु प्राणवल्लभ, आपके उस महापराक्रम में हनुमान की भी लीला थी क्या? हाँ मित्रविंदा, उस लीला के पार्श्व में हनुमान का ही एक वचन था, जो त्रेता युग में हनुमान ने गोवर्धन पर्वत को राम सेतु निर्माण के लिए ले जाते समय दिया था। मैं आपको वचन देता हूँ कि प्रभु स्वयं आपका स्पर्श करेंगे पर्वतराज गोवर्धन, तत्पश्चात ही आपको सेतु का भाग बनाया जाएगा। तो क्या गोवर्धन पर्वत पूर्व काल में किसी अन्य स्थान पर स्थित था क्या? हाँ प्रिय मित्र विंदा, सेतु निर्माण हेतु सभी वानर आदि दूर दूर से शिलाएं लेकर आए थे। हनुमान भी सुदूर
उत्तर एशिया की ओर जा पहुंचे, जहां गोवर्धन पर्वत स्थित था। वचन देने के पश्चात जब हनुमान गोवर्धन पर्वत को अपनी हथेली पर रखकर ला रहे थे, तो उन्हें वहां पहुंचने के पूर्व ही सेतु निर्माण पूर्ण होने के संकेत मिल गए। अतः उन्हें गोवर्धन पर्वत को मार्ग में ब्रज भूमि में ही उतारना पड़ा, क्योंकि श्री राम ने सबको निर्देश दे रखा था कि सेतु का निर्माण होते ही जो जहां है वो उन शिलाओं को वहीं छोड़ दे। इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि गोवर्धन पर्वत को ब्रज भूमि में हनुमान ने ही स्थापित किया था। हाँ सत्यभामा, त्रेता युग में अपने भक्त हनुमान को दिए हुए वचन को आपने स्मरण रखा स्वामी, और उस वचन का निर्वाहन आपने द्वापर युग में किया। श्रेष्ठ भक्त के हर वचन हर कृत्य से भगवान को जुड़े रहना होता है प्रिय, इसलिए ना तो मैं उनको दिया हुआ वचन भूला और ना ही हनुमान भूले। और जब मैंने गोवर्धन पर्वत को उठाया तो हनुमान स्वयं भी उस लीला के साक्षी बने। तत् वचन भगवान निभाया, स्पर्श हरि पर भक्त को दिलाया, धन्य प्रभु राम जय जय कन्हैया, हे कृष्ण नारायण वासुदेवा। हे महाभक्त हनुमान, आपके दिए हुए वचन के कारण ही आज मुझे प्रभु के अवतार के रूप में प्रभु श्री कृष्ण के स्पर्श का एवं उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद हनुमान जी। ये आपका ही नहीं मेरा भी सौभाग्य है पर्वत श्रेष्ठ गोवर्धन, जो प्रभु ने अपने तुच्छ सेवक हनुमान के वचन का मान रखा। ये जगत आपको प्रभु की इस उत्तम सेवा के लिए सदियों तक पूजता रहेगा। प्रभु श्री कृष्ण, आपने मेरे दिए हुए वचन को तो निभा दिया, अब मेरी एक तुच्छ इच्छा और पूर्ण कर दीजिए। वर्षों से ये नेत्र आपके श्री राम रूप के दर्शन के लिए तरस रहे हैं। हे प्रभु, मुझे मेरे आराध्य श्री राम के रूप में दर्शन दीजिए। मेरे प्रभु, मेरे श्री राम, मेरे भोले भाले भक्त हनुमान ने निरंतर 7 दिवस तक, जब तक मैं गोवर्धन पर्वत को उठाए रहा, तब तक हनुमान मूसलाधार वर्षा में ही वहीं स्थित रहकर मुझे भक्ति पूर्वक निहारते रहे। इतना ही नहीं, द्वापर युग में भी हनुमान धर्म संस्थापन एवं भक्तों की सहायता आदि कार्य सतत करते रहे। महाभारत युद्ध के विजेताओं को भी युद्ध के पूर्व योग्य एवं अधिक शक्तिशाली बनाने वाले हनुमान ही थे। जब कभी उन्हें शक्ति के अहंकार ने घेरा तो उन्हें उचित मार्ग हनुमान ने ही दिखाया। महाभारत के विजेता अर्थात पांडव बंधु। हाँ प्रिय, मेरे फुफेरे भाई पांडव, उन्हीं के विषय में कह रहा हूं मैं। सर्वप्रथम हनुमान के दर्शन देवराज इंद्र के अंश अर्जुन को हुए थे, जिनके समान धनुर्धर संसार में ना कोई अन्य हुआ और ना ही होगा।
अर्जुन जो सभ्य साची है, अचूक लक्ष्य भेदन, मात्र लक्ष्य पर ही जिनकी दृष्टि केंद्रित रहती है, शब्द भेदी बाण चलाने में सिद्ध हस्त है जो, योद्धा अर्जुन को देवेश्वर शिवजी ने पशुपतास्त्र प्रदान किया था। महाभारत युद्ध के पूर्व ही अर्जुन को अपनी अद्वितीय धनुर्विद्या के कारण दंभ ने घेर लिया था। शक्ति के साथ यदि दंभ भी आ जाए तो योद्धा के लिए पतन के द्वार खुल जाते हैं। अतः अर्जुन के दंभ को चूर करने के लिए हनुमान को ही सामने आना पड़ा था। तो क्या हनुमान अर्जुन जैसे महायोद्धा के दंभ को तोड़ पाए? ये विशाल सागर, उसकी उताल तरंगे, प्रकृति का इतना सुंदर रूप, रामेश्वरम का ये संपूर्ण क्षेत्र बड़ा ही मनोहारी है। एक बार अर्जुन देश भ्रमण करते हुए रामेश्वरम तीर्थ पहुंच गए थे। संयोग से हनुमान भी वहां उपस्थित थे। अर्जुन के हाव भाव से हनुमान ने भांप लिया था कि अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या के कारण अभिमान हो गया। अच्छा, तो ये है श्री राम का सेतु जिसे उन्होंने वानरों की सहायता से बनवाया था। किंतु श्री राम तो बड़े धनुर्धारी थे, फिर उन्होंने सहस्त्रों वानरों को इतना कष्ट क्यों दिया? यदि मैं होता तो कुछ ही क्षणों में अपने बाणों से एक सुदृढ़ सेतु का निर्माण करता। अर्जुन जैसे योद्धा की वाणी में ऐसा अभिमान? योद्धा तो तभी विजेता होता है जब शक्ति के साथ साथ उसके व्यवहार में विनम्रता हो, अन्यथा दंभ उसे पतन के अंधकार में धकेल देता है। अर्जुन को भविष्य में प्रभु श्री कृष्ण के साथ मिलकर धर्म की स्थापना के लिए कार्य करना है, इसके लिए इन्हें दंभ के विकार से मुक्त करना ही होगा। अब ये वानर कहां से आ गया मेरे मार्ग को अवरुद्ध करने? क्षमा करें, आप तो बड़े योद्धा प्रतीत हो रहे हैं। जो आपने अभी कहा, क्या वो सत्य है? मैंने? तुमने क्या सुना मेरे मुख से? आप अभी कह रहे थे ना कि आप अपने बाणों से सेतु बना देते हैं। हाँ, ऐसा कर सकता हूं मैं। नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं है कि आप ऐसा कर पाएंगे। हाँ, पांडु पुत्र धनुर्धारी अर्जुन ही कदाचित ऐसा कर सकते हैं। वो महायोद्धा हैं, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं वो। मैं ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन हूं। आप अर्जुन हैं, पांच पांडवों में से एक। अरे वाह, मैं तो धन्य हो गया जो मुझे इस युग के महान धनुर्धर अर्जुन के दर्शन हो गए, जिनके अद्भुत पराक्रम और अचूक लक्ष्य भेदन की कथाएं अभी तक सुनी ही थी मैंने। वो कथाएं सत्य हैं, किंतु तुम कौन हो अद्भुत वानर? अपना परिचय दो। मेरा परिचय? पांडु कुमार, मैं तो एक मात्र साधारण सा वानर हूं। वो तो प्रभु श्री राम का सेतु है, यहाँ तो कभी कभी चला आता हूँ। हम वानरों की स्मृतियां जुड़ी है ना इससे, इसलिए। हाँ, वो तो है। किंतु आपने सत्य कहा, आप तो अपने बाणों से ही सेतु का निर्माण कर देते। किंतु क्या तुम्हें कोई संदेह है?
मेरी धनुर्विद्या पर? नहीं नहीं नहीं, आप तो रामेश्वर महादेव के दर्शन हेतु जा रहे थे ना। आप जाइए, किंतु ना ना कुछ नहीं। अरे मेरा क्या है, मैं तो वानर बुद्धि हूं ना, कुछ भी सोचने लगता हूं, किंतु बात तो मन में आ ही जाती है ना। बात क्या है वानर, ये बार बार किंतु परंतु बता कुछ नहीं रहे, क्या बात है? वो क्या है ना, आप तो महान धनुर्धर अर्जुन हैं, जिनके पराक्रम पर संदेह करने वाला तो मूर्ख ही होगा, किंतु मैं मूढ़ बुद्धि वानर। मेरे मन में तुम्हें कोई आशंका है तो कह दो वानर। आशंका? वैसे सत्य है कि आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन हैं, आप तो बाणों से सेतु का भी निर्माण कर सकते हैं, किंतु क्या वो सेतु सहस्त्रों वानरों का भार सहने योग्य होता? अच्छा, तो मेरे सर संचालन पर संदेह है तुम्हें। क्षमा क्षमा पांडु कुमार क्षमा, मैं मूढ़ बुद्धि भला अर्जुन जैसे महायोद्धा के शर संचालन पर मैं संदेह करने लगा? मैं ये दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ, किंतु आशंकाएं तो मन में उमड़ घुमड़ करती ही रहती है ना। फिर भी मुझे आपकी बात पर विश्वास है कि आप अर्जुन ही हैं, और मुझे कोई प्रमाण नहीं चाहिए कि आपके बाणों में ऐसी शक्ति है कि उनसे बनाया हुआ सेतु सहस्त्र वानरों का भार सहने की क्षमता वाला होता है या फिर नहीं। मेरे बाणों से बनाया गया सेतु तुम जैसे सहस्त्र वानरों का भार ही नहीं बल्कि उनकी उछल कूद भी सहन कर लेता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपने कहा तो मैं मान ही लेता हूँ। वैसे प्रमाणित करने की तो कोई भी आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, प्रमाण भी दे सकता हूँ मैं, यहीं इसी सागर तट पर। नहीं नहीं नहीं, किंतु अच्छा उचित है, मन तो बड़ा ही जिज्ञासु होता है ना। अब आप जैसे महायोद्धा के शर संचालन को देखने का लोभ कैसे संवरण कर सकता हूं मैं? क्या सत्य में ही आप कर पाएंगे ऐसा? हाँ हाँ, देखो अभी कुछ ही क्षणों में मैं तुम्हारे नेत्रों के समक्ष ही इस सागर तट पर अपने बाणों से एक सुदृढ़ सेतु का निर्माण करूंगा। मैं तुम्हारे नेत्रों के समक्ष ही इस सागर तट पर अपने बाणों से एक सुदृढ़ सेतु का निर्माण करूंगा। अभिमान मस्तिष्क का ऐसा विकार है जो नेत्र होते हुए भी मनुष्य की देखने की शक्ति को विकृत कर देता है। उसे दिखाई नहीं देता कि उसे चुनौती देने वाला कौन है। वो स्वयं को सर्वोपरि समझने लगता है, भगवान के समकक्ष मानने लगता है स्वयं को। सत्य कहा द्वारिकाधीश, फिर अर्जुन जैसे महायोद्धा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के अभिमान को कैसे तोड़ा हनुमान ने? सर्वप्रथम देखना तो ये है कि अर्जुन बाणों से सेतु का निर्माण कर भी पाए या नहीं। ये सत्य है कि अर्जुन को घमंड ने घेर लिया था, किंतु धनुर्विद्या में कुशल अर्जुन को ज्ञात था कि बाणों को अपनी इच्छा अनुसार कैसे चलाया जाता है। अर्जुन जी, मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है, आप शीघ्र चलाइए ना बाण। मात्र एक ही बाण? अर्जुन जी, एक एक बाण करके सेतु बनाने में तो कई मास लग जाएंगे। अद्वितीय,
आपने जो कहा था वो कर दिखाया। अनुपम है आपकी धनुर्विद्या। संसार में आपके समान कोई और धनुर्धारी हो ही नहीं सकता। मैं तो धन्य हो गया ऐसी धनुर्विद्या देखकर। नहीं, ऐसे नहीं, सुदृढ़ कहा था ना तुमने। अब यदि तुम में शक्ति है तो जाओ, इस सेतु को हिला कर दिखाओ। नहीं नहीं, इतना अद्भुत सेतु बनाया है आपने, कहीं टूट ना जाए। कुछ नहीं होगा इस सेतु को, तुम जाओ, प्रयास करो इसे हिलाने का। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं प्रयास करके देख लेता हूँ। केवल हिलाओ ही नहीं, मन भरकर उछल कूद भी कर लो इस सेतु पर। मेरे बाणों का बना हुआ यह सेतु बिल्कुल नहीं हिलेगा। आश्चर्य है, ऐसा कैसे हो गया? मेरे बाणों से बना हुआ सेतु इस वानर के स्पर्श से बिखर कैसे गया? ये गाथा है धर्म के सम्मान की, सब सुधि जन देखे लीला श्री हनुमान की। अर्जुन के महान धनुर्धर होने के दंभ रूपी विकार को समाप्त करने के लिए मुझे ये पग उठाना ही होगा। ये कैसे हो गया? मैंने तो मात्र स्पर्श ही किया था। अवश्य ही सेतु की रचना में कुछ त्रुटि रह गई है, या कदाचित आपने मुझ जैसे तुच्छ वानर के भार को कम समझा होगा। आप एक बार पुनः सेतु बनाइए ना, मुझे विश्वास है कि अब कोई त्रुटि नहीं होगी। इस बार अवश्य ही आपका बाण सेतु सुदृढ़ बनेगा। जाओ, अब जाकर देखो इस सेतु की सुदृढ़ता। अब तुम वानरों की पूरी सेना आ जाए, स्वयं महावीर हनुमान भी आ जाए, तब भी ये सेतु नहीं हिलेगा। आप तो सत्य कह रहे हैं, किंतु अभी मैं एकाकी ही हूँ। आपके इस सुदृढ़ सेतु पर चढ़ने का सौभाग्य मैं ही प्राप्त कर लेता हूँ। आगे बढ़। ये सब आपस में ही गूंथे रहते हैं ना, इसलिए छोटी सी भी त्रुटि से ये ढह जाता है। आप पुनः प्रयास कीजिए। इस परीक्षण में तो सफल रहा आपका ये बाण सेतु। अब आगे का परीक्षण। अब आगे भी कुछ नहीं होगा, तुम चाहे इस पर कूदो, इस पर नृत्य करो, ये नहीं टूटेगा। अब इस पुल में कोई त्रुटि नहीं होगी। ये आज क्या हो गया है मेरे बाणों को? मैं समझ गया, आप मेरे साथ परिहास कर रहे हैं। आप बना दीजिए ना सुदृढ़ सेतु, आप तो अर्जुन हैं,
जग प्रसिद्ध धनुर्धर। मेरी भांति कोई साधारण वानर नहीं है आप। आप एक बार पुनः बनाइए ये कल्पना करके कि इस सेतु पर किसी प्रिय के प्राण टिके हुए हैं। यदि ये सेतु बीच समुद्र में टूट गया तो उसके प्राण जा सकते हैं। फिर देखिए अवश्य ही सुदृढ़ सेतु बन जाएगा। अब ना जाने क्या होने वाला है। हाँ, अब नहीं टूटेगा ये सेतु। ये तो पुनः टूट गया। मेरे बाण इतने शक्तिहीन कैसे हो सकते हैं, जो एक वानर का भार तक नहीं सह पा रहे हैं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है प्रभु। प्रभु, अर्जुन को तो अभी आपके कृष्णावतार के साथ महायुद्ध में अपना पराक्रम दिखाना, इस प्रकार तो उनका अभिमान ही नहीं मनोबल भी टूट जाएगा। फिर वो कैसे महायुद्ध कर पाएंगे। आप सत्य कह रही हैं देवी। मुझे अपने भक्त हनुमान को उचित निर्देश देना होगा। ये क्या, आपके मुखड़े पर निराशा के चिन्ह। आप महायोद्धा हैं, कुंती नंदन हैं, और योद्धा तो कभी भी निराश नहीं होते। प्रयास करने वाले को ही विजयश्री की प्राप्ति होती है। आप पुनः प्रयास कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आपने कहा आप वो कर सकते हैं। गुरुदेव द्रोणाचार्य, आपकी दी हुई शिक्षा की लाज रख लीजिए, ताकि इस बार मैं असफल ना हूँ, मेरे बाणों से बना सेतु धराशायी ना हो। अब अर्जुन अभिमान के विकार से मुक्त हुए हैं। चूंकि इतनी कड़ी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए हनुमान को, कहीं अभिमान टूटने के स्थान पर उसका आत्मविश्वास ही ना डिग जाए। सेतु हिलते हिलते अकस्मात ही स्थिर कैसे हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सेतु हिलते हिलते स्थिर हो गया और सेतु ने हनुमान का भार भी संभाल लिया। ऐसा सुखद आभास क्यों हो रहा है मुझे, जैसे मेरे प्रभु यहीं कहीं हैं। हे प्रभु, आप यदि यहाँ हैं, तो आप ही कोई संकेत दीजिए कि अचानक ये सेतु इतना सुदृढ़ कैसे हो गया, जो मेरे कुछ भी करने पर नहीं टूट रहा। क्या हुआ, रुक क्यों गए वानर महोदय। जितने इच्छा है उछल कूद करके देख लो, मेरे बाणों से बना हुआ ये सेतु अब नहीं टूटने वाला। अब तो विश्वास हो गया होगा ना तुम्हें कि प्रभु श्री राम की संपूर्ण सेना मेरे इस सेतु पर इस सागर को लांग सकती थी। मेरे समस्त प्रयास विफल हो रहे हैं, सेतु डगमगा तक नहीं रहा मेरे कूदने से। तुमने सत्य कहा था वानर, प्रयास करते रहने से सफलता अवश्य प्राप्त होती है। देखो कितने सुदृढ़ सेतु की रचना कर दी मैंने। ये सेतु मेरे भार से तो नहीं टूट रहा, मुझे थोड़ा और प्रयास कर तोड़ना चाहिए इसे, अन्यथा कहीं अर्जुन का अहंकार पुनः जागृत ना हो जाए। हाँ, तो
तो वो आप ही थे जिन्होंने कुर्मा अवतार लेकर अर्जुन के सेतु को संभाल कर उसे गिरने से बचा लिया। हाँ प्रिय, जब मेरे राम अवतार में मेरा, मेरे परिवार का, मेरे समस्त दायित्वों का, रघुकुल के कार्यों का, मेरी सेना का सारा बोझ सदा हनुमान उठाते रहे, तो अब ये मेरा समय था उनका बोझ अपने ऊपर उठाने का। अब कितने भी उछल कूद कर लो वानर महोदय, ये सेतु नहीं टूटने वाला। बड़े अचरज की बात है, सेतु पर मेरी उछल कूद का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। थोड़ा और शक्ति लगाकर देखता हूं। अर्जुन द्वारा रचित इस सेतु की इस दृढ़ता से तो मैं भी अचंभित हूं। क्यों, अब बोलो, क्या मेरा बना हुआ सेतु प्रभु श्री राम और उनके सैनिकों द्वारा बनाए गए सेतु से अधिक स्थिर, अधिक सुदृढ़ नहीं है? जब से मुझे प्रभु की उपस्थिति का आभास हुआ है, तभी से यह सेतु अचानक टूटने के स्थान पर अड़िग हो गया। कहीं हाँ हाँ वानर महोदय, जल में डुबकी लगाकर भी इसका निरीक्षण कर लीजिए आप, मुझे विश्वास है तब भी इसे इतना ही सशक्त पाएंगे। कच्छप, तो स्वयं प्रभु ने ही कच्छप रूप में पांडव श्रेष्ठ अर्जुन का सेतु अपने ऊपर संभाल रखा है। मेरे प्रभु श्री राम कुर्मा अवतार लेकर आए हैं यहाँ, प्रणाम प्रभु। कैसा मूढ़ मती हूं मैं, ये मैं क्या कर बैठा? इस सेतु को तो प्रभु ने अपने पृष्ठ पर टिका रखा है और मैं उस पर अपने संपूर्ण भार के साथ उछल कूद कर रहा था। कितना कष्ट दिया मैंने प्रभु को। प्रभु, मेरे प्रभु, हे प्रभु श्री राम, इस रूप में पुनः आपके दर्शन प्राप्त कर आपका ये भक्त धन्य हो गया प्रभु। किंतु मेरा दुर्भाग्य है प्रभु कि मेरे कारण आपको इतनी पीड़ा हुई, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। कोई बात नहीं हनुमान, तुम तो मेरे परम भक्त हो और भगवान को अपने भक्तों का बोझ उठाने में आनंद ही आता है, और फिर पीड़ा कहाँ हुई मुझे? मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा तन सहला दिया। किंतु प्रभु आपने इतना कष्ट उठाया ही क्यों? यदि मुझसे कुछ अनुचित ही हो रहा था तो आप मुझे मात्र एक संकेत ही दे दिए होते, मैं तो उसी क्षण रुक जाता प्रभु। यहाँ आपके इस हस्तक्षेप का कारण नहीं समझ सका मैं। हनुमान, ना ही तुमने कुछ अनुचित किया है और ना ही तुमने कोई भूल की है। अर्जुन का अभिमान खंडित करना अति आवश्यक था, किंतु उसके साथ उसका आत्मविश्वास स्थापित रखना भी तो आवश्यक था, क्योंकि आगामी काल में धर्म युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाना ही उसकी नियति है। मैं समझ गया प्रभु, अब मैं आपको ना ही कोई कष्ट होने दूंगा और ना ही कोई चिंता। अब आप अर्जुन को लेकर निश्चिंत हो जाइए प्रभु, मैं उनके आत्मविश्वास को कदापि ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। तुम्हारा कल्याण हो हनुमान। प्रणाम प्रभु, मैं आपका आशय पूर्ण रूप से समझ गया हूं। दंभ विनाश का सूचक है,
किंतु आत्मविश्वास के बिना मनुष्य अपनी नियति को कभी नहीं पा सकता। धर्म की स्थापना के लिए अर्जुन का आत्मविश्वास स्थिर रहना अति आवश्यक है। क्यों वानर जी, कर लिया नीचे से भी निरीक्षण? अब तो मेरे पराक्रम को लेकर तुम्हारे मन में कोई संदेह तो शेष नहीं रहा होगा ना? हाँ श्रेष्ठ धनुर्धारी महायोद्धा अर्जुन, आपने अपनी धनुर्विद्या के ज्ञान को प्रमाणित कर मेरे समस्त संदेह मिटा दिए। मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मेरे जैसे एक तुच्छ वानर को संतुष्ट करने के लिए इतना श्रम किया। आभारी तो मैं भी हूँ आपका वानर महोदय, मुझे ये समझाने के लिए कि कभी कभी मेरे बाण विफल भी हो सकते हैं, इसलिए मुझे और सचेत रहने की आवश्यकता है। किंतु अंततः आप विफल नहीं हुए ना? अंत भला तो सब भला अर्जुन जी। हाँ किंतु हमें सदा स्मरण रखना चाहिए कि आत्मविश्वास से किया हुआ कार्य हमेशा सफलता की ओर ले जाता है, तो अति विश्वास हमें संकटों के मुख में धकेल सकता है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए और आप जाकर रामेश्वरम महादेव के दर्शन कीजिए। मुझे विश्वास है आपके पराक्रम से प्रभावित होकर उनकी कृपा दृष्टि आप पर अवश्य पड़ेगी और उनका अंश अवश्य समय पड़ने पर जीवन में एक बार आपकी सहायता के लिए अवश्य प्रस्तुत होगा। ये विचित्र वानर महोदय कौन थे और वो अभी मुझसे क्या कह गए? किसी आगामी संकट की सूचना दे गए अथवा उनके इन शब्दों में उस संकट से रक्षा का आशीष निहित था? देवकी नंदन, आप यहां कैसे? क्या करूं धनुर्धारी अर्जुन, विवश होकर आना ही पड़ा, अन्यथा आपका ये सेतु टूटकर बिखर तो जाता। मुझे कूर्मा अवतार धारण कर सेतु को अपने पृष्ठ पर स्थित करना पड़ा, तब जाकर संभला है आपका ये सेतु। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? अर्थात मेरे बाण इतने शक्तिशाली भी नहीं कि एक एक साधारण वानर का भार संभाल सके? साधारण? प्रिय अर्जुन, जिसे आप साधारण वानर समझ रहे हैं वो स्वयं हनुमान है। प्रभु श्री राम भक्त हनुमान? हाँ अर्जुन, आपके मन में छाए अहंकार को ही तोड़ने आए थे वो, और मेरे कहने पर यहां से चले गए, क्योंकि मैं आपके आत्मविश्वास को टूटते हुए नहीं देखना चाहता था। अहंकारवश मैं उनका वास्तविक परिचय नहीं पा सका, उनका उचित अभिवादन कर उनसे आशीष नहीं प्राप्त कर सका, मैं भगवान हनुमान को नहीं पहचान सका। हृदय छोटा मत कीजिए प्रिय अर्जुन, जहां तक कि मुझे ज्ञात है हनुमान आप सभी से उन्हें अवश्य भेंट करेंगे, तब आप अपने हृदय की ये इच्छा भी पूर्ण कर लीजिएगा। प्रभु आज मैंने हनुमान जी से विनम्रता का बहुत बड़ा पाठ सीख लिया। शक्ति तभी सुहाती है जब उसका उपयोग विनम्रता के साथ किया जाए, ये आज मैं भली भांति जान गया हूँ। हे प्राण बल्लभ, तो क्या अर्जुन को उचित मार्ग दिखाने के बाद विनम्रता का पाठ पढ़ाने के पश्चात भी हनुमान जी उनसे पुनः मिले? हाँ देवी, मात्र अर्जुन से नहीं, इस बार वो पांचों पांडव भ्राताओं से मिले,
किंतु उनकी ये भेंट इस बार अर्जुन के कारण नहीं अपितु गदाधारी महाबली भीम के कारण हुई थी। महाबली भीम के कारण? हाँ प्रिय, वही महाबली भीम जिनका तन अत्यंत बलिष्ठ था। जिनके पग धरने से ही धरती थर्रा उठे। जिनकी भुजाओं में 10 सहस्त्र गज का बल समाता हो। प्रकृति भी पराजित होगी महाबली भीम के पराक्रम से। ज्वालामुखी में होगी अपार शक्ति और ऊर्जा, किंतु भीम भी किसी से कम नहीं। अपनी भुजाओं में उठाकर इस टीले को, इस ज्वालामुखी से रक्षा करूंगा इन निरीह प्राणियों की, प्रमाणित कर दूंगा अपने अपार बल को। सुरक्षित हो, जाओ, महाबली भीम तुम्हें भयमुक्त करता है। ये गाथा है धर्म के सम्मान की, सब सुधि जन देखे लीला श्री हनुमान की। किसी भी व्यक्ति का बलवान होना उसके लिए गर्व की बात होती है, किंतु बल का अभिमान होना अनुचित है। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।